हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अचीविंग हाइट्स। अचीविंग हाइट्स में मैं नमिता आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ESIC सीरीज़ में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कि कैसे एक एम्प्लॉई अपने बेनिफिट्स को चेक कर सकता है कि उसे कौन कौन से बेनिफिट्स अवेलेबल है ESIC से। जो उसका ESIC का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर के द्वारा डिडक्ट किया जाता है और डिपॉजिट किया जाता है, उसके द्वारा उसे कौन कौन से बेनिफिट्स ESIC हॉस्पिटल से अवेलेबल होते हैं, वो कैसे चेक कर पाएगा, कैसे अपने ESIC की डिटेल्स को चेक कर पाएगा कि जो डिटेल्स डाली गई है वो करेक्ट है या नहीं, या फिर अगर उसे वो अपडेट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, अपने नॉमिनीज की डिटेल्स देख सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा ESIC मेंबर लॉगिन पे। पे आने के बाद में आपको अपना यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम क्या होगा? यूज़र नेम आपका IP नंबर होगा, ये आपको अपने एम्प्लॉयर से लेना होगा। टेन डिजिट का नंबर होता है। कैप्चर कोड डालेंगे, क्लिक ऑन लॉगिन। ये देख सकते हैं इस तरह से आपकी सारी डिटेल्स आ गई है। अगर इसे पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप एम्प्लॉय डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग, रजिस्ट्रेशन डेट, आधार नंबर, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर इसे आप डिटेल में देखना चाहें तो आप एम्प्लॉय डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और डिटेल्स में सारी चीज़ें देख पाएंगे, अपने नॉमिनीज़ की डिटेल भी देख पाएंगे। जो जो नॉमिनी आपने ऐड किए हुए हैं, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप अनमैरिड है तो अपने मदर, फादर, अपने सबलिंग्स की डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर आप मैरिड है तो अपने फैमिली की, ने आपकी वाइफ, आपके बच्चों की, आपके पेरेंट्स की डिटेल डाल सकते हैं अगर वो डिपेंडेंट है आप पे। तो इस तरह से आप अपनी डिटेल्स चेक कर पाएंगे। अपने बेनिफिट्स चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सेकेंड ऑप्शन है, इंटाइटलमेंट टू बेनिफिट्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका पीरियड दिया हुआ होता है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं बेनिफिट स्टार्ट डेट, कब से बेनिफिट, जो आपने जो प्रीवियस कंट्रीब्यूशन किया है उसका बेनिफिट्स आपको कब से स्टार्ट है मिलना और कब तक है। तो इसमें कहा है कि अगर आप 1 जनवरी 2018 से 30 जून 2018 तक बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं, जो आपका प्रीवियस है। सपोज आज आप जॉब में नहीं है, आपका ESIC डिडक्ट नहीं होता है, तो भी जो आपका प्रीवियस कंट्रीब्यूशन है उसके आधार पे आप इतने मतलब 6 महीने तो ESIC का बेनिफिट्स ले पाएंगे। और कौन कौन से बेनिफिट्स ले पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, बेनिफिट्स टाइप में दिया हुआ है कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, मेडिकल बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स, सिकनेस बेनिफिट्स, इन सब में यस लिखा हुआ है, मीन्स ये बेनिफिट्स आप ले पाएंगे। फिर ऐसा लिखा है सुपर स्पेशलिटी फॉर IP एंड IP फैमिली, यहाँ पे भी नो लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप कंटिन्यू 2 साल तक एम्प्लॉयमेंट में हैं और आपका ESIC का डिडक्शन होता है, कंटिन्यूस आपके एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाता है, तो आप ये बेनिफिट्स भी ले पाएंगे। ये बेनिफिट्स वो होते हैं कि अगर ESIC हॉस्पिटल से कुछ फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिल पाती है, कुछ ट्रीटमेंट्स आपको नहीं मिल पाते हैं, तो वो आपको बाहर रेफ़र करते हैं और वहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस होता है उसका रिइंबर्समेंट आपको ESIC हॉस्पिटल के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही आपको एक बेनिफिट्स और होता है कि सपोज़ आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, उस दौरान आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर आप सिकनेस की वजह से आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं, मतलब ऑफिस नहीं जा पाते हैं, जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाते, कुछ टाइम के लिए आपको डिस्पेंसरी से जो ESIC हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा कुछ टाइम के लिए रेस्ट रिकमेंड किया जाता है कि आपको रेस्ट करना है, तो उस पीरियड में आपको कोई कैश बेनिफिट्स आपके एम्प्लॉयर के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो उस पीरियड के लिए ESIC हॉस्पिटल से आपको कैश बेनिफिट होता है। ये बेनिफिट के लिए आप अवेलेबल तब होंगे जब आपको कंटिन्यू 2 साल हो गए होंगे सर्विस करते हुए। और ये कितना होता है, जो आपका वेजेस था आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपको दिया जाता था उसका 50%। सपोज़ अगर आपको 1 महीने का रेस्ट बेड रेस्ट का है या रेस्ट का है, 1 महीने आप अपने ऑफिस नहीं जा पाते, तो 15 डेज़ की सैलरी आपको ESIC के द्वारा पे की जाती है। इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे फॉर्म 13 होता है और फॉर्म 7 भी होता है, वो आपको फिल करके ESIC हॉस्पिटल में जाना होता है, उसको अप्रूव करवाना होता है वहाँ के एम्प्लॉयर से, ऑफिसर से, देन वो आपको अलाउ करते हैं और ये आपको आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। तो इस तरह से आप बेनिफिट्स देख पाएंगे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। नॉर्मल बेनिफिट्स जैसे मेडिकल बेनिफिट्स
आपको अवेल करने के लिए इसकी ये कंडीशन तो होती है कि एटलीस्ट 90 डेज यानी जब से आपने ESIC आपके ESIC डिडक्ट होना शुरू हुआ है ऐसे कंटिन्यू 90 डेज का आपका ESIC डिपॉजिट किया गया आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, तो आप इसके नॉर्मल बेनिफिट्स जैसे मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह नॉर्मल ट्रीटमेंट ESIC हॉस्पिटल से अवेल कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम ESIC के हॉस्पिटल से अगर हमारा ESIC डिडक्ट होता है तो अपना बेनिफिट ले पाते हैं। इसके लिए हमको क्या क्या करना होता है, हमें क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, क्या ले जाना होता है। एक तो आपको ये जो बेनिफिट्स कार्ड है इसका प्रिंट आउट करके लेके जाना होता है, साथ ही में आपको एक ई पहचान कार्ड लेके जाना होता है। ये ई पहचान कार्ड आपको आपके एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से एक ई पहचान कार्ड होता है। आप अपने एम्प्लॉयर से जाके कहेंगे तो वो आपको ESIC के पोर्टल से इस तरह का फॉर्म दे देंगे। ये फॉर्म को आप ले को निकाल के इसके ऊपर अपना सिग्नेचर करके अपना फैमिली फोटोग्राफ अटैच करके ESIC से अप्रूव करवा सकते हैं। ये आपका ई पहचान कार्ड होता है, ये टेम्प्ररी कार्ड होता है, इसे आप परमानेंट भी बनवा सकते हैं। परमानेंट बनवाने के लिए क्या प्रोसीजर होती है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। सेकंड है कंट्रीब्यूशन डिटेल्स। कंट्रीब्यूशन डिटेल्स ऑप्शन क्या होता है कि हमें अगर चेक करना हो कि हमारा एम्प्लॉयर हमारा जो ESIC डिडक्ट कर रहा है वो रेगुलरली पेमेंट कर रहा है या नहीं, कितने दिनों का पे कर रहा है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा जिस तरह से हमारी पे स्लिप में लिखा है उतना पे हो रहा है या नहीं। यहाँ से हम अपने कॉन्ट्रीब्यूशन की डिटेल भी चेक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्टेटस क्लेम। अभी मैंने आपको बताया कि आपको ESIC से जो बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको जैसे अगर आपने बाहर से ट्रीटमेंट लिया है तो उसका रिइंबर्समेंट मिलता है यानी क्लेम मिलता है, तो वो क्लेम आपको यहाँ से आप अगर डेट डालेंगे एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह डालेंगे तो आपको यहाँ से वो स्टेटस भी आप इजीली देख पाएंगे। अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं, अगर आपका आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है तो आप यहाँ से अपना आधार कार्ड भी अपडेट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय अपने हैंड पे ये सारी चीज़ें देख सकता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, मतलब अपने एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें पूछने के लिए कि हमें क्या करना होगा, ESIC हॉस्पिटल से बेनिफिट लेना है तो कहाँ जाना होगा। सो आई थिंक ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।